स्वागत है आपका IPL 2020 के ऑक्शन से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों IPL 2020 के ऑक्शन को अब सिर्फ कुछ चंद दिनों का समय जो है वो रह चुका है, जिसके लिए सभी टीमें अपनी पूरी प्रिपरेशन में जो है वो लगी हुई हैं कि कौन सी टीम को कौन से खिलाड़ियों को जो है टारगेट करना है IPL 2020 के ऑक्शन में। जहां पर दोस्तों लगातार हम हर एक टीम की बात कर रहे हैं कि कौन सी टीम किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है अपना सकती है, कौन से खिलाड़ियों को खरीद सकती है, जहां पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग्स इलेवन पंजाब की एक बड़ी स्ट्रेटेजी की दोस्तों बात करेंगे, जहां पर एक स्पेशल प्लेयर के ऊपर बड़े सारे पैसे किंग्स इलेवन पंजाब की टीम लगा सकती है IPL 2020 के ऑक्शन में, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप भी IPL के फैन कर रहे हैं, IPL 2020 का इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आपको क्या लगता है कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम IPL 2020 का टाइटल जीत पाएगी, प्ले ऑफ तक जा पाएगी? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों बात करें अगर किंग्स इलेवन पंजाब की, तो बड़े बड़े डिसीजन इन्होंने IPL 2020 से पहले लिए हैं। इनके स्क्वाड में बहुत सारे चेंजेस हमें नजर आने वाले हैं। जहां पर ऑक्शन की अगर बात करें, तो इस टीम के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं इनके पर्स में, टोटल 42.7 करोड़ रुपए IPL 2020 के ऑक्शन के लिए। ऐसे में किसी भी प्लेयर को अगर टारगेट करना चाहती है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, तो बड़े ही आसानी से उस प्लेयर को जो है खरीद सकती है IPL 2020 के ऑक्शन में। दोस्तों बात करें अगर इनके स्क्वाड की, जो कि इस समय इनका स्क्वाड है ऑक्शन से पहले, इसमें काफी सारी कमियां जो है वो नजर आ रही हैं, जिनमें से एक बड़ी जो कमी है वो है फॉरनर फास्ट बॉलर की। फॉरनर फास्ट बॉलर दोस्तों इस टीम के पास जो है वो बढ़िया नहीं है। लास्ट ईयर की बात करें तो एंड्रे टाय और हार्डस विलोजन दो फॉरनर फास्ट बॉलर थे। एंड्रे टाय को इन्होंने यहां पर रिलीज भी कर दिया IPL 2020 के ऑक्शन से पहले, और ऐसे में IPL 2020 के ऑक्शन में एक फॉरनर फास्ट बॉलर के ऊपर 100% किंग्स इलेवन पंजाब की टीम जो है बोली लगाने वाली है, जिनमें दोस्तों इनको कई सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। और किसी भी प्लेयर को ये टारगेट करना चाहें, उसको बड़े ही आराम से टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पर्स में बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और ऐसे में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी ये भी है कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम जो है वो पीछे जा सकती है मिचेल स्टार्क के IPL 2020 के ऑक्शन में, क्योंकि दोस्तों मिचेल स्टार्क जो है वो बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलर हैं। किसी भी टीम में अगर वो जाते हैं तो उनकी फास्ट बॉलिंग में जान डाल सकते हैं। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को एक फास्ट बॉलर की जरूरत है, पैसे भी इनके पास पर्स में बहुत ही ज्यादा हैं, और ये सभी चीजें जो है संकेत कर रही हैं कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम जो है वो पीछे जाने वाली है मिचेल स्टार्क के IPL 2020 के ऑक्शन में। अगर दोस्तों मिचेल स्टार्क को खरीदना चाहती है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, तो बड़े ही आराम से खरीद सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे किंग्स इलेवन पंजाब के पर्स में है। इनके अलावा भी दोस्तों इनको कई सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे, जिनमें पैट कमिंस शामिल है, नेथन कुल्टर-नाइल शामिल है, ओशेन थॉमस, एडम मिलने, मुस्तफिजुर रहमान, ऐसे कई सारे फास्ट बॉलर जो है होंगे IPL 2020 के ऑक्शन में। लेकिन जो मेन टारगेट होंगे वो हो सकते हैं यहाँ पर मिचेल स्टार्क। अब दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, क्या मिचेल स्टार्क के पीछे जाएगी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, या फिर किसी और फॉरनर फास्ट बॉलर को खरीदेगी? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।